खाने जा रही हूँ मंचूरियन इंस्टेंट नूडल्स थिंग्स, और यहाँ पे मैं कोलैब करूँगी, इस पर मैं कोलैब करूँ, मतलब इसको और इसको जो है मिक्स कर दूँगी और मैं कोलैब करूँगी। यहाँ पे मैंने ये काट रीत को काट लिया, ये रीत है समझो, और रीत को मैं काटने जा रही हूँ। ये मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ सबसे ईजी तरीके से कैसे काटते हैं टोमेटो वोमेटो अभी टमाटर वमाटर, ये आप ऐसे काटोगे आपका काम बहुत फास्ट होगा। हाउस वाइफ हो, लेडीज हो, लेडीज लोग हो, जेंट्स लोग हो, रीत जैसे बेकूफ लोग हो, कोई भी हो, ये इस तरह का काटने का ओ ये प्लेट आप टूट सकती है। और रीत जो है मेरा भाई वो लेकर आया था। अब यहाँ पर पास्ता उबल रहा है और अभी पास्ता उबल जाएगा, थोड़ा ही पास्ता है इस बार भी। यहाँ पर मैंने ये सामान वामान कट किया है सारा, और ये है थिंग्स का मंचूरियन नूडल्स। अब ये मंचूरियन नूडल्स मैं बनाऊँगी और मैं कैसे बनाऊँगी मैं सब दिखाऊँगी। और मेरा भाई जो है वो चला गया है, वो आ नहीं रहा है वीडियो बनाने, तो मैं खुद से वीडियो बना रही हूँ। तो ये है सब कुछ और मैं जैसे बनाऊँगी मैं सब दिखाती हूँ। तो अब मैं ये नूडल्स फाड़ने जा रही हूँ, मंचूरियन नूडल्स हैं, ये कुछ नूडल्स जो है ये इस टाइप की होती है, इस टाइप की, और इसमें होता है मसाला ये वाला, ये चिंग्स का मसाला है ये वाला, ये वाला जो मसाला है ये चिंग्स का मसाला है, और ये वाला जो है ये है टाइप। यहाँ पे मेरा टमाटर प्याज कट गया है, और मेरे यहाँ ज़्यादा कोई स्पाइसी खाता नहीं, तो इन लोगों के पास वो सॉस वगैरह है नहीं, तंदूरी सॉस होता है, पिज़्ज़ा सॉस होता है, ये सब सॉस बहुत अच्छे लगते हैं, और टमाटो सॉस चीज़ स्लाइस सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो बट इसमें है नहीं मेरे पास। और ये है थोड़ी सी गोभी, और इसको मैं डाल दूँगी, और ये मेरा पास्ता यहाँ पे बॉईल हो गया है, ये थोड़ा सा मैंने निकाल लिया टेस्ट करने के लिए, कच्चा है। और मेरी मम्मी को ये पता नहीं है कि मैं ये बना रही हूँ, मैं उनको सरप्राइज़ दे रही हूँ, वो बाहर बैठ के आग सेक रही हैं और मैं अब उनको बना के दूँगी, क्योंकि वो मैगी रोज खिलाना पसंद नहीं करती हैं, उनको डांटती हैं मैगी के लिए, तो मैं अपने भाई से मंगवा ली और वो बाहर है, अब मैं बना के उनको फिर दे दूँगी। तो यहाँ पर पास्ता देख सकते हो बॉयल हो गया है, और अब मैं ये वाली मैगी इसमें डाल दूँगी, इसको बॉयल कर लूँगी, ये सारी मैगी, और ये यहाँ पर। अब यहाँ पे मेरी नूडल्स बॉईल हो गई है पूरी, यहाँ पे पास्ता बॉईल हो गया है अच्छे से, और अब यहाँ पर मैंने प्री हीट होने लगने के लिए पैन रख दिया है, वो प्री हीट हो रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें कट पिट गई हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मैं मटर डालूँगी, इससे मैंने पास्ता वास्ता चलाया था, इससे मैगी बना दूँगी, वरना गुड्डन मेरे ऊपर गुड्डन जो मेरा मतलब धुलती है बर्तन, वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा बर्तन मैं जूठा करती हूँ। अब मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल, अब इसमें मैंने अनियन भी ऐड कर दिया, और इसको मैं अच्छे से सॉटे कर लूँगी ऑयल में ही, एक्चुअली मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, अच्छे से हो नहीं पा रहा है, इसको अच्छे से सॉटे करना है, मैं आपको दिखाऊंगी कब तक आपको सॉटे करना है। अब अच्छे से सॉटे करने के बाद में प्याज जब आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाए टमाटो ऐड कर दो, पर मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दी है, इसी के साथ मैं फ्राई करूँगी अच्छे से, पूरा फ्राई ही सब कुछ होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, मतलब मंचूरियन वाला मसाला है, तो मंचूरियन मसाला बहुत स्पाइसी हो जाएगा, इस वजह से मैं इसमें अब नूडल्स ऐड कर दूँगी। पहले ये है मेरा पास्ता जो गया इसमें, इसके बाद ये है मेरी नूडल्स जो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तीन मसाले बच गए हैं जो कि मैं अभी अपने में ऊपर से डालूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है थोड़ा स्पाइसी, और ये है ओशिट, और ये तैयार है मेरी मंचूरियन तड़का नूडल्स चिंग्स की। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, बाकी मम्मी को सरप्राइज़ दे रही, तो मम्मी अब खा के बताएंगी कैसा है, बाकी इसके मसाले सारे होते तो बहुत यमी है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, और मैं
रहती हूँ जब नोएडा, मैं तो बहुत खाती हूँ। अभी ये मैं अपनी मम्मी को जा रही हूँ सरप्राइज देने। मम्मी आग बंद करो, बंद करो ऐसे ऐसे ही जो लगा ले। बहुत ड्राई ड्राई सा लग रहा है ना। पीछे आपकी साड़ी भी आ रही है जो ऑर्डर करके मंगवाई हो। रिकॉर्ड कर रही क्या? नहीं करिए नहीं। ये क्या है, ये कब बनाई? जब आप बाहर थी रिसे मंगवा लिए। ये क्या, ये दूध नमूना रख दिया बाकी सब मैं खा के दो रख दी। इसको हमें रखी थी दो ठो। ये मंचूरियन तड़का मैगी है, नई बनाई थी चिंग्स की। तो लो अपना इसको खाओ। आप पहले उसको छोड़ दो। आप नमूना गाइस देख लीजिए, दो ठो नमूना रखी है। ये यार कैसे देखने में बहुत कच्ची कच्ची सी लग रही है। अरे खा के तो बताओ यार, मम्मी वैसे बनाई हूँ मैं। उस बनाई तो वो तो हम देख ही रहे, बनाई हूँ कच्ची कच्ची सी दिख रही है। बॉइल वाली है ना, वाइट वाइट सी है, जैसे लग रहा है कुछ मसाला ही नहीं, मसाला कम ऐड किया है। टेस्टी नहीं है। है अच्छी ही लगी आपको? लो मुझे तो। हम जा रहे थे। क्यों नहीं बॉइल आपको पसंद नहीं क्या? गाइस मम्मी को पसंद नहीं आई मैगी ये वाली।